Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, क्यों नहीं आते? मैं तो वाइस शर्ट है, मैं येलो नहीं है. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Hello. Hello. Good evening. Good evening, children. Good evening, sir. 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 I welcome you all in the music class today. How is everyone? आपने गाना सुना अभी जो मैं सुना रहा था आपको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. I was so confused. Vidisha, what happened? Was there the last line? Sorry? Was there the line trying to attack you? Yes. That was like a prank. Don't worry. ओके सो नाउ सॉरी फर्स्ट हम लोग पहले सीखेंगे एक एक्सरसाइज आपकी फिंगर्स पियानो पे चलाने के लिए एक्सरसाइज. ओके सबको याद हो गया सी सी नोट कौन सा है एफ नोट कौन सा है जी नोट कौन सा है किस किस को नहीं हुआ हाथ आई ऑलरेडी नो इट सर आई ऑलरेडी नो इट. ओके ओके चलो अब हम फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपको कीबोर्ड पे दिखाऊंगा पहले. एवरीबॉडी कीप योर माइक म्यूट. ओके सर आई नो हाउ टू प्ले हैप्पी बर्थडे. आई एम शोइंग यू ऑन माय कीबोर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले टुडे.
अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। नाउ एवरीवन लुक एट द कीबोर्ड, और जो मैं बजा रहा हूँ आपको धीरे धीरे आप ट्राई करो वही प्ले करने का। देखो सी ई जी ई, क्या बजाया मैंने, सी ई जी ई, फोर नोट्स सी ई जी ई ऐसे बजाना है आपको, और फिर दोबारा से वही बजाना है, और फिर से वही बजाना है, और वही बजाते रहना बार बार, सी ई जी ई सी ई जी ई सी ई जी ई सी ई जी ई। ये सी ई जी ई इसको प्ले करने के लिए आप जो फिंगर नंबर यूज करोगे उसको ध्यान से देखो, फर्स्ट फिंगर ऑन सी, एवरीबडी वॉच माय फिंगर पोजीशन एंड प्ले द सेम थिंग, थंब ऑन सी, थर्ड फिंगर ऑन ई, फिफ्थ फिंगर ऑन जी, एंड अगेन थर्ड फिंगर ऑन ई, एंड प्ले लाइक दिस, सी ई जी ई सी E G E C E G E। ट्राई करो, मैं देख रहा हूं किसको नहीं आया अभी भी। एवरीबडी शो मी योर कीबोर्ड एंड प्ले। C E G E, वेरी गुड, काव्या इज प्लेइंग वेरी नाइस, काव्या प्ले, यस गुड, हाँ बजाते रहो, सी ई जी ई सी ई जी ई सी ई जी ई। ऋषभ योर कैमरा इज टू ब्राइट, आई कैन नॉट सी, थोड़ी या तो लाइट बंद करो या कुछ करो। नायशा फिफ्थ फिंगर यूज करो, हाँ फोर्थ और फिफ्थ एक साथ मत करो, 1 3 5 3 जी नोट, जी जी हाँ ध्यान से बजाओ, इट्स एन एक्सरसाइज, जैसा नोट मैंने बताया वो ही बजाना आपको। सी तेजस्विनी प्लीज प्ले, 1 3 5 3 वेरी गुड, दिव्यांश प्ले, थम हाँ दिव्यांश, फिंगर नंबर याद है आपको, सी पे 1 रखो, यस सी पे सी पे सी नोट, सी कौन सा है, यस चलो फिंगर नंबर हम कॉम्प्रोमाइज कर दे आपके लिए, आप बस सी ई जी ई बजाओ कैसे भी, जस्ट प्ले सी ई जी ई, प्ले द नोट्स ओनली, एनी फिंगर बट प्ले द राइट नोट्स। अन्या प्ले प्ले प्ले, आई कैन सी यू आर नॉट यूजिंग द फिंगर पोजिशन, 1 3 5 3 ऐसे बजाओ। देखो मैं अभी एक बार सबको दिखा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट फिंगर पोजिशन सही यूज नहीं कर रहे, देखो दिस इज द फिंगर पोजिशन, थंब ऑन सी, थर्ड फिंगर ऑन ई, फिफ्थ फिंगर ऑन जी, सी ई जी ई सी ई जी ई, फिर धीरे धीरे आपको स्पीड भी बढ़ानी है ऐसे, लाइक दिस ओके, बट पहले स्लोली स्लोली बजाओ, सी ई जी ई
on the repeat mode. Girik Sharma, play. Finger position, 1, 3, 5. Upar se bajao, upar se, wo toota aapka, upar se bajao. Upar wala C, haan. Third rakho E pe. Third finger on E, third finger kaun si hai? हाँ और फिफ्थ फिंगर जी पे ऐसे बजाओ. वेयर इज दक्ष? दक्ष प्ले. यस करेक्ट. विदित धीरे धीरे बजाओ, धीरे धीरे. 1, 3, 5, 3. ऐसे बजाओ, देखो 1, 3, 5, 3. यस आराध्या प्ले. करेक्ट. अद्विक इज ऑल्सो प्लेइंग करेक्ट. साना, साना प्ले करो. करेक्ट. जरताज आप कीबोर्ड दिखाओ. जरताज एंड स्टीफन, कैमरा ऑन, शो मी योर कीबोर्ड. तीशा अनम्यूट. सर कैन आई प्ले? प्ले. वेरी गुड, गुड गुड गुड. हाँ Where is Stephen today? जरताज प्ले करो आप, मैं देख रहा हूँ. हाँ हाँ उस पे वो जो देखो मेरा कीबोर्ड देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे प्ले करना है आपका. ठीक है, बस यहाँ पे फाइव ये वाली फिंगर रखो यहाँ पे. थम देखो, थम को बोलते हैं वन, फिर ये थर्ड फिंगर आ गई, फिर ये फिफ्थ फिंगर आ गई. तो 1, 3, 5, 3 ऐसे प्ले करो. 1, 3, 5, 3 ऐसे. आन्या अनम्यूट. यस सर, आपने बोला कि ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे, तो जब मैं ऐसे हाथ कर रही हूँ तो दूसरी कीज भी प्रेस हो रही है. वो आपको हाथ को कंट्रोल करना है ना, दूसरी की पे नहीं जाना चाहिए, तभी तो मैं बता रहा हूँ ये वाली की प्रेस करो. अगर आप हाथ को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो किसी भी की पे चला जाएगा. उसको आपको पता होना चाहिए मेरे को ये वाली की ई प्रेस करना है, तभी तो हमने उसका नाम बताया कि ई प्रेस करो, जी प्रेस करो, ऐसे. ओके सर, ऐसे. आपका कीबोर्ड नहीं देख पा रहा हूँ मैं. सर आप बजाओ. C E G E चार बार प्रेस करना है आपको ऐसे. C E G E C E G E हाँ करेक्ट. उसको बार बार बजाओ. अद्विक सर मुझे भी बजाना है. ओके प्ले करो. वेरी गुड वेरी गुड. चलो सबने सही बजा लिया. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे. Now see what I am doing, everyone. पहले मैंने प्ले किया C E G E. अब मैं सेम चीज अपनी हैंड पोजीशन को एक ऊपर कर दिया.
All notes, one note up. Now I am playing D, F, A, F. Okay, same hand position से 1, 3, 5, 3. अब आप play करो D, F, A, F. ठीक है, notes ध्यान से देख लो मेरा, मेरे साथ साथ पहले play करो. Play D with the first finger, thumb, D, D. ठीक है, this is D. Third finger से F, fifth finger से A, and again F, third finger. तो ये हो जाएगा D, F, A, F, D, F, A, F, D, F, A, F, D. फिर जब आपको थोड़ा सही बजने लगे ना, तो थोड़ा स्पीड करो ऐसे. Now everybody play the second one, D, F, A, F. मैंने आपको शीट भी भेजी है, देखो मैंने आपको एक ऐसे वाली शीट भेजी है, उसको आप अपने सामने रख सकते हो. तो उस पे ये जो नीचे लिखा है ना बीच में D, F, A, F, ये वाला प्ले करना है. हैंड पोजीशन वही रहेगी जो ऊपर लिखी है, वन ऊपर राइट हैंड, नीचे लेफ्ट हैंड. अभी तो हम लेफ्ट हैंड नहीं कर रहे हैं. चलो एवरीवन प्ले, आई एम वॉचिंग यू नाउ. प्ले D, F, A, F विद द सेम हैंड पोजीशन. अद्विक, यू वॉन्ट टू से समथिंग? अभी अभी तो नहीं, कुछ अभी बाद में, मैं अभी फिर से करूंगा, अभी नहीं. ओके ओके ओके, चलो एवरीवन प्ले. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, इस शीट में जो आपने यहाँ पे लिखा है एफ एल एफ, उसका राइट हैंड भी हम लोग को प्ले करना है. हाँ, राइट हैंड ही प्ले करना है, अभी लेफ्ट हैंड नहीं करना है. ओके सर. ये आप लोग चैटिंग में क्या इतना सारा लिख रहे हो, मैं तो पढ़ता ही नहीं चैटिंग में क्या क्या लिखा. ले एक मिनट में पढ़ता हूँ. सर आई कैन प्ले, सर आई कैन प्ले. अच्छा ठीक है, आई नो एवरीबडी कैन प्ले, डोंट यूज चैटिंग बिकॉज वो डिस्टर्ब करता है बीच बीच में. चलो बजाओ, मैं देख रहा हूँ सबको. एवरीवन डी एफ ए एफ, अब मैं देखता हूँ किससे नहीं प्ले हो रहा. विदिशा कीबोर्ड दिखाओ, ऋषभ कीबोर्ड दिखाओ, स्टीफन आर यू एबल टू प्ले? ओके चलो, काव्या इज प्लेइंग वेरी नाइस, डी एफ ए एफ, वेरी गुड. दक्ष इज प्लेइंग करेक्ट. श्रेया आप कैसे प्ले कर रहे हो? डी एफ ए एफ बजाओ. जरताज प्ले. यस वेरी गुड, कीप प्लेइंग कीप प्लेइंग, धीरे धीरे बजाते रहो. वेरी गुड, आराध्या इज प्लेइंग वेरी वेल, गुड. विदित गुड, साना गुड, नायशा गुड, गिरिक गिरिक हैंड पोजिशन 1, 3, 5. यस तेजस्विनी राव प्ले डी एफ ए एफ. यस प्ले प्ले गुड. विदिशा हैंड पोजिशन थम 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 थम, हमेशा फर्स्ट वाले पे थम रखो. हाँ फिर थर्ड फिंगर रखो एफ पे, फिर ए पे फिफ्थ रखो. यस फिफ्थ फिफ्थ. दिव्यांश प्ले. दिव्यांश एक बार अनम्यूट करके सुनाओ. ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट. वेयर इज विदित?
विदित प्ले ओके 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 अद्विक इज प्लेइंग वेरी वेल ओके नाउ द नेक्स्ट फ्रेज अब अगला एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन नाउ द नेक्स्ट वन अभी हम ये बजा रहे थे डी एफ ए एफ अब इसको उठा के क्या करेंगे एक और आगे ले जाओ सबको सारी फिंगर्स को एक एक और आगे ले जाओ नाउ द नोट्स आर ई जी बी जी नाउ प्ले सेम हैंड पोजिशन प्ले ई जी बी जी मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे देखो मेरे साथ साथ प्ले करो ई विद द थंब जी थर्ड फिंगर से जी लास्ट फिंगर से बी एंड अगेन जी तो ये हो जाएगा ई जी बी जी ई जी बी जी देन इंक्रीज द स्पीड जब आप ये एक्सरसाइज बजा रहे हो आप ध्यान रखना आपका हाथ एकदम टाइट ना हो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए अगर टाइट है तो जैसे ही आपको लगे ना आपका हैंड टाइट हो रहा तो एकदम रुक जाओ उसको थोड़ा लूज करो फिर धीरे धीरे लूज हैंड से बजाना है टाइट हैंड से नहीं बजाना है ठीक है नाउ एवरीबडी विल प्ले ई जी बी जी नाउ प्ले ई जी बी जी आई एम वॉचिंग यू स्टार्ट ई जी बी जी अद्विक इज गुड जरताज बजाओ धीरे धीरे यस ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज इससे आपकी फिंगर्स मूव करना शुरू होंगी धीरे धीरे ठीक है स्टीफन कीप हैंड पोजिशन 1 3 5 3 ओनली डोंट चेंज हैंड पोजिशन करेक्ट दक्ष इज गुड काव्या इज गुड तीशा इज गुड श्रेया श्रेया एक बार आप ई नोट बजाओ ई नोट जी बजाओ बी बजाओ फिर से जी बजाओ हाँ बट उसको ना हैंड पोजीशन फिक्स रखो उसके ऊपर बार बार चेंज मत करो एक बार उसके ऊपर हाथ ऐसे रख दो ठीक है ऐसे हाथ रखो और फिर ऐसे बजाओ देखो मेरा हाथ इधर ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है ऐसे साना प्ले ई जी बी जी वेरी गुड ऑल किड्स आर प्लेइंग वेरी वेल आन्या इज ऑल्सो प्लेइंग गुड आराध्या इज गुड विदित ठीक है धीरे धीरे विदित आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो नाइशा ओके ओके हाँ दिव्यांश दिव्यांश प्ले करो ऐसे ही प्ले करो ऐसे ही करो ई जी बी जी ओके तेजस्विनी ई जी बी जी ओके विदिशा विदिशा आर यू प्लेइंग ओके ऋषभ आर यू प्लेइंग वेयर इज ऋषभ ऋषभ इज गॉन समवेयर ओके ग्रीक इज ऑल्सो गुड ठीक है ओके अब सब रुक जाओ किस किस को डिफिकल्ट लग रही है ये एक्सरसाइज रेज योर हैंड ऋषभ इज सेइंग इट्स डिफिकल्ट ओके यस आन्या को भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है दिस इज डिफिकल्ट आई नो व्हेन यू प्ले ऑन द कीबोर्ड व्हेन यू प्ले एनीथिंग विद
fifth finger and fourth finger, it is difficult. Okay. With 1, 2, 3, it's very easy. But whenever I tell you, use fifth finger or fourth finger, it is difficult. Okay. ठीक है, अब बस और मत बजाओ, इतना ही प्ले करो. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? आन्या अनम्यूट. सर मुझे बजाते आ रहा है, पर आप ऐसा बोल रहे हैं कि चार बार वैसा करना है, वो नहीं समझी. देखो EGBG बजाया ना आपने, फिर जब आप दोबारा EGBG बजाओगे तो कितनी बार हो गया बजाया आपने? दो. फिर एक बार और बजाओगे तो कितनी बार बजाया? तीन. फिर एक बार और बजाओगे तो कितनी बार बजाया? चार. तो ऐसे ये चार, जब हम बोलते हैं ना चार बार बजाओ, तो उसको फिर से करना होता उस चीज को. ओके. नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे फोर लिखा था सिर्फ, तो मुझे वो नहीं आया. वो फिंगर नंबर, वो फिंगर नहीं, फिंगर नंबर तो नहीं लिखा. फोर, फोर का मतलब होता है चार बार बजाओ. ओके सर. थैंक यू. थ्री लिखा होता तो कितनी बार बजाते? तीन बार. किसी को कुछ पूछना है? ऋषभ अनम्यूट, श्रेया अनम्यूट दबाओ. हाँ सर, व्हेन आई एम डूइंग इट, आई ऑलवेज डू इट विद माय सेकंड फिंगर, इट्स मोर इजीियर. नहीं, मैंने जो बोला उसी से करो. 1, 3, 5 फिंगर चेंज नहीं करना आपको, जो फिंगर बताया उसी से करना है. एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? नो सर. एक और लेसन करें? रेडी? चलो अब मैं पहले आपको पहले गाना सुना देता हूं, फिर आप वो ही सॉन्ग बजाना, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने सॉन्ग नहीं सुना हो. हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे, उसका नाम है लॉयन स्लीप्स. लॉयन लायन, वही एक लॉयन, लायन स्लीप्स. देखो आई एम प्लेइंग दिस. इतना करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास जो शीट है उसको अपने सामने रखो. अगर आपके पास प्रिंट आउट है, ये वाली जो शीट मैंने भेजी है जिसपे लिखा है इन द जंगल स्टार्टिंग में, उसको अपने सामने रखो. प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट रखो, नहीं तो फोन में आप उसको खोल लो अपने साथ, बट उसको सामने रखो तभी आप बजा पाओगे. ओके सो अब सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसको प्ले करेंगे. जी ए बी ए, तो दिस इज जी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए. देखो फर्स्ट जो लिखा है ना, फर्स्ट ग्रुप जी ए बी ए, फर्स्ट फोर नोट्स कैसे प्ले करेंगे? जी ए बी ए, तो क्या साउंड आएगा? इन द जंगल, इन द जंगल. एवरीवन प्ले इन द जंगल विद मी. जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप पहले क्या करा करो, आप पहले नोट्स पढ़ो, उसको बोल बोल के बजाओ. जी ए बी ए, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं. जी ए बी ए, ठीक है? फिर उसके वर्ड्स को बोलो, उसके वर्ड्स को गाओ ऐसे. इन द जंगल, ठीक है? And also look at the hand position.
I am starting with thumb. Okay. Now, अब next group of notes. ये जो next group जो mighty के नीचे लिखा है ना B C B A G. B C B A G. आप लोग एक करेक्शन करो इसमें, इसके ऊपर डॉट लगा लो, जो सी है ना यहाँ पे उसके ऊपर डॉट लगा लो एक. दिस इज अ करेक्शन नीडेड. आपके पास पेपर है तो उस पे यहाँ पे डॉट लगा लो, नो प्रॉब्लम, देन यू कैन डू इट लेटर ऑन. अब हम ये प्ले करेंगे, देख लो मैं कैसे प्ले कर रहा हूं. बी सी बी ए जी, डॉट का मतलब है कि ये वाला सी नहीं है, ये वाला सी है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट? इट्स नॉट दिस सी, इट्स दिस सी. तो B C B A G, B C B A G. अब इसके वर्ड्स के साथ करो. The mighty jungle, the mighty jungle. B C, एक बार लेटर्स के साथ बोलना है, फिर एक बार वर्ड्स के साथ बोलना है. B C B A G, the mighty jungle, B C B A G. अब थर्ड ग्रुप ऑफ नोट्स जो लाइन के नीचे लिखा है, अब थर्ड ग्रुप ऑफ नोट जो लाइन के नीचे लिखा ना, A B A G B A, A B A G B A, A B A G B A. अब इसके वर्ड्स बोलेंगे. The lion sleeps tonight. The lion sleeps tonight. अब मैं पूरा आपको बजा के दिखा रहा हूं एक लाइन. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. अब आप लोग प्ले करो, मैं देख रहा हूं आप कैसे प्ले कर रहे हो. अगर किसी को नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा क्या करना है. गिरिक शर्मा, आर यू रेडी? नो सर, पर जो आपने फाइल भेजी है उसमें द माइटी जंगल के जो वर्ड है उसमें सी हायर नहीं है. हाँ, वो कर लो हायर उसको, वही तो मैंने बताया अभी इतनी देर से, उसको हायर कर लो, वो मिस्टेक है उसमें ठीक कर लो. विदित अनम्यूट, एवरीबॉडी कीप प्रैक्टिसिंग फर्स्ट लाइन. सर, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ आर यू प्लेइंग बी सी बी ए जी. सर, आप ये जो वर्ड्स हैं बी सी बी ए जी में, इसमें फिंगर और बता दो कि बी में कौन सी फिंगर यूज करनी है, इन्हें सी में कौन सी फिंगर यूज करनी है, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हो ना तो वो इतनी क्विकली समझ में नहीं आ रही. देखो जी पे आप बस ऐसे रखो, जी पे वन रखो, बाकी अपने आप इधर आएगी, ठीक है? फिर उसको हिलाओ मत, पूरी लाइन आपकी जो जो नोट आए कोरस्पोंडिंग फिंगर से प्रेस कर दो, ये रूल है. मतलब कोई और रूल नहीं है, फर्स्ट लेटर हमेशा थंब से होगा. इस लाइन के अंदर जो है आप नोट कर लो कि जी जो फर्स्ट है उस पे आपको थंब रखना है, ठीक है? Okay, नहीं, तो इस पे जब तो आपने बताया था कि जी ए बी ए में क्या यूज करना है, फिर सेकंड वाले में बी सी बी ए जी में क्या यूज करना है? सब इसके अकॉर्डिंग ही आएगा. देखो जी पे जब आप ये रखोगे तो बाकी सब पे ऐसे आएगा, ठीक है? तो जैसे बी नोट आया तो बी किस फिंगर के नीचे है? थर्ड के नीचे, तो बी को थर्ड से बजाएंगे. जो नोट जिस फिंगर के नीचे है उसको उससे बजा लो. जी जी यहाँ पे है तो मैं ऐसे करती हूँ.
पहले पहले फाइव फिंगर पोजीशन ले लो जी से, जी से फाइव फिंगर पोजीशन ले लो, 1 2 3 4 एंड देन 5। हां जो उसमें उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो क्यों, हां ये हैंड पोजीशन है इसकी, दिस इज द हैंड पोजीशन। ओके आने अनम्यूट। सर जो आपने भेजा है उसमें मुझे डाउट है कि जब आप बजा रहे हैं ऐसे है क्या? नहीं नीचे ए, नीचे वाला ए बजाओ, आप तो ऊपर डॉट वाला ए बजा रहे हो। देखो मेरी स्क्रीन देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके सर, मैंने ऐसे नहीं किया ना, ऐसे नहीं किया, मेरा हाथ वहीं पे है, एक जगह पे रखना है हाथ को। ओके तो अब मैं एक बार फिर से प्ले कर रहा हूँ। सर बट मुझे डिफिकल्टी हो रही है कि जो पहला है उसके बाद ऐसे है। हाँ ठीक है। ओके सर करेक्ट। ठीक है एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूं, देखो फर्स्ट ग्रुप वन टू थ्री टू जी ए बी ए, तो ये हुआ इन द जंगल। सेकेंड ग्रुप थर्ड फिंगर से स्टार्ट होगा, सेकेंड ग्रुप थर्ड फिंगर से स्टार्ट होगा बी सी बी ए जी, द माइटी जंगल। थर्ड ग्रुप सेकेंड फिंगर से स्टार्ट होगा ए बी ए जी बी ए, नाउ प्रैक्टिस फर्स्ट लाइन। दक्ष अनम्यूट। सर एम आई प्लेइंग राइट? प्ले जंगल करेक्ट, कंटिन्यू करेक्ट। ठीक है उसको जब आप तीन चार बार प्ले करोगे ना याद भी हो जाएगा आपको। यस सर, फर्स्ट वाली नहीं तो पूरी याद होगा, हिंदी जंगल दी माइटी जंगल, तो सेकंड वाली थोड़ी सी अभी। ठीक है अद्वैक अनम्यूट। सर मुझे बजाना है। बजाओ। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बजाया अद्विक ने। सर इसी लाइन को दो बार बजाना है ना? हाँ उसके आगे दो लिखा है ना, उस लाइन को दो बार बजाना है, उसका मतलब है रिपीट। तीशा अनम्यूट। सर कैन यू स्टार्ट? यस। इन द जंगल द माइटी जंगल द लायन स्लीप हाँ थोड़ी अपनी आवाज मिलाओ तिशा सुर में। इन द जंगल द माइटी जंगल द लायन स्लीप्स टुनाइट। यस अब ठीक आया, सुर मिलाया करो ऐसे मत गाया करो ढीला ढीला, सुर में सुर मिलाना है, जब आप गाना गाते हो तो सुर में सुर मिलाना है। ठीक है सारे बच्चे ध्यान दो, When you are singing, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप गाना गाओ तो ऐसे नहीं गाना, In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight, ऐसे नहीं गाना। ठीक है सुर में जो आवाज इसमें से आ रही है उसमें आवाज मिलाओ ऐसे, In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight।
night. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. ऐसे जब भी कोई गाना गाएगा उसको ऐसे सुर टोन मिलानी है. अब आप सेकंड लाइन देखो. सेकंड लाइन में फर्स्ट, सेकंड लाइन फर्स्ट ग्रुप देखो क्या लिखा है. डी बी ए बी, डी के ऊपर डॉट दिख रहा है सबको. कुछ नोट्स के ऊपर डॉट है, उसका ध्यान रखना है. ठीक है, तो मेरे को देखो मैं क्या कर रहा हूं. डी विद डॉट इज दिस, तो इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी फिफ्थ फिंगर है. आप लिख लो डी, ये डॉट वाले डी पे लिख लो फिफ्थ फिंगर. डी बी ए बी इन द जंगल, डी बी ए बी स्टार्टिंग विद फिंगर नंबर फाइव. तो ये हो जाएगा इन द जंगल. एवरी वन प्ले डी बी ए बी. फिफ्थ फिंगर ऑन डी, फिर से डी आ गया, सेम डी, तो फिर से वही फिफ्थ फिंगर और सी बी है डॉट वाला, तो ये दोनों नोट्स है इसका मतलब. डी सी बी ए जी, द जायंट जंगल के नीचे जो लिखा है, द जायंट जंगल. द जायंट जंगल, उसके बाद ए बी ए जी बी ए, वो सेम है जैसे ऊपर लायन स्लीप्स वाले नोट है वैसे ही नीचे लायन स्लीप्स वाले नोट. ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं. सेकंड लाइन बिगिनिंग विद फिफ्थ फिंगर डी बी ए बी. इन द जंगल, सेकेंड ग्रुप डी सी बी ए जी, द जायंट जंगल. थर्ड ग्रुप ए बी ए जी बी ए. धीरे धीरे प्ले करो, एक एक ग्रुप, एक एक ग्रुप करके प्ले करो. मतलब जैसे आपको दिख रहा ना हर लाइन में तीन ग्रुप ऑफ नोट्स हैं, तो पहले एक ग्रुप बजा के उसको स्मूथ कर लो फिर अगले पे जाओ. ऋषभ अनम्यूट. सर हाँ, लिटिल हार्ड बट आई गॉट द फर्स्ट लाइन. ओके नो प्रॉब्लम, प्ले फर्स्ट लाइन. Then I got the printout. After I got, first I got it, then I got the printout. Good. That printed it. Yes. You practice the notes, okay? One by one. Okay. Good. पूरा सॉन्ग एक बार बजाने, एक बार में बजाने की कोशिश मत करो, बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको. एक लाइन बजाओ बस, पहले एक लाइन बजाओ, उसको तीन चार बार बजाओ, जब हो जाए फिर नेक्स्ट लाइन पे जाओ. नाउ हु विल प्ले वन लाइन फॉर मी, हु विल प्ले वन लाइन फॉर मी. सही बजाना है, गलत बजाओगे तो फिर नंबर काट लूंगा मैं. अगर गलत बजाया तो नेगेटिव मार्किंग. चलो पहले हम विदिशा से सुनते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग.
सेकंड लाइन भी आती है विदिशा बजाओ वेरी गुड बिल्कुल सही कीप प्रैक्टिसिंग ओके अद्विक बजाओ अद्विक अनम्यूट Very good. Try second line. Sir, ये second line ही थी. First line सुनाओ. Very good. ठीक है, सही बजाया. Stefan, unmute. I had a doubt. Hmm. वो second line में मेरे को doubt था और मैं आपको first line बजा के दे देता हूँ. Okay. बजा लो sir. हाँ हाँ. Last note B A. Okay sir. Last वाला बजाऊँ the lion sleeps. हाँ. करेक्ट और क्या डाउट है वो लास्ट लाइन इन द जंगल द जायंट जंगल वाले हाँ व्हाट इज द डाउट ये बज नहीं पा रहा था सर एक बार आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको सेकंड लाइन ये वाले डी से स्टार्ट होगा ठीक है जब भी आप ये सॉन्ग प्ले करोगे ना आपको अपने माइंड में भी गाना है साथ साथ में ऐसे इन द जंगल द जायंट जंगल द लायन स्लीप्स टुनाइट अगेन द जायंट जंगल द लायन स्लीप्स टुनाइट तभी वो बच पाएगा सही से इसीलिए मैं बार बार गा रहा हूं कि आपको सॉन्ग समझ में आए नेक्स्ट हु इज प्लेइंग अद्विक प्ले भूल गया था क्या भूल गया था अच्छा अच्छा ओके मत भूलो नायशा अनम्यूट वेयर इज नायशा यस यस सर हाँ Very good. Second line. Good, good. Perfect. ठीक है. Greek unmute. Sir, I am playing first line. Okay. Sorry, sir. ओके अन्या अनम्यूट सर जो आपने सेकंड वाली लाइन का फर्स्ट है डी बी ए बी ये और फर्स्ट लाइन मुझे नहीं आ रही है बजा के दिखाओ हाँ सर ठीक है सेकंड लाइन बजाओ
ठीक है, ऐसे ही होता है अन्या। आपको अभी आप जो शुरू शुरू में प्ले कर रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि ये फास्ट नहीं बज रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब वो फ्लो में आएगा। वो फ्लो नहीं आ रहा है आपका, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। तीशा, वेयर इज तीशा? अनम्यूट। सर कैन आई प्ले? यस। The mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Very good. Good singing. Vidit, unmute. आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले मैं एक बार सुन लूं। श्रेया, अनम्यूट। हाँ सर, प्ले करो। श्रेया, स्टार्ट योर थंब ऑन जी। जी जी जी, हाँ मेरी स्क्रीन पे देखो जी कहाँ पे होता है, ये देखो, ये जो तीन ब्लैक नोट्स हैं इसके बीच में दो नोट है, ठीक है, लेफ्ट वाला जी है, राइट वाला ए है, तो इधर थंब रखो, बाकी फिंगर्स ऐसे रखो और आप अपने कीबोर्ड पे लिख लो, आपको कंफ्यूजन होती है। हाँ सर। लिख लेना उस पे। हाँ सर। ठीक है। सर मुझे वो थर्ड वाली लाइन्स समझ नहीं आ रही है, जो ए बी ए जी। आप पहले लिखो, आप पहले लिखो, ए बी सी डी लिखो उस पे पेंसिल से, फिर मैं बताऊंगा। ओके सर। हाँ Daksh, you want to say something? No sir, I want to play. Okay, play. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Very good. In the jungle. Sorry, sorry. चलो ठीक है, ठीक, समझ गया, मैं समझ गया, आगे मैं समझ गया, सही कर रहे हो तुम। ठीक है। साना, अनम्यूट। साना। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, कीप प्रैक्टिसिंग। अद्विक, अनम्यूट। सर जो डैश है उसका क्या मतलब है? क्या चीज, किसका मतलब? ऋषभ, अनम्यूट। सर आई ओनली नो फर्स्ट लाइन, द सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन इज वेरी हार्ड। नो प्रॉब्लम, यू प्ले फर्स्ट लाइन ओनली। चलो मैं सिखाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, अभी रुको। ओके, आई थिंक अद्विक वाज आस्किंग मी के डैश का क्या मतलब है। यस सर। ठीक है, डैश का मतलब है उस नोट को थोड़ा सा होल्ड करना है बस। देखो ये विदाउट डैश ऐसे, विद डैश ऐसे, थोड़ा लंबा उसको बजाना है। ठीक है, यस गिरिक। सर
Sir, can I play second line? Yes, play. D, D से शुरू होगा, D से. D note, D note, fifth finger on D note. That is not D. नीचे लाओ उसको, नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ. हाँ. चलो मैं दिखा रहा हूँ अभी, रुक जाओ. सब लोग देखो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं. देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मैंने पूरा सॉन्ग आपको दिया हुआ है एक शीट पे, आपको पूरा ऐसे ये 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 वन बाय वन करके पूरा नहीं बजाना, ठीक है? पूरा सॉन्ग वन बाय वन नोट्स करके नहीं बजाना है. आपको कैसे बजाना है, पहले आप बस ये चार नोट्स लो, इसको प्ले करो तीन चार बार और याद करो जी ए बी ए, और उसके थोड़े वर्ड भी देख लो, इन द जंगल जी ए बी ए, तो उसको आप बजाओ और खुद सोचो कि मुझे याद हुआ कि नहीं, फिर बजाओ, रिपीटेडली बजाओ चार पांच बार, जब तक याद नहीं हो जाए एक एक ग्रुप ऑफ नोट्स, जब तक आपको याद नहीं होता अगले ग्रुप पे मत जाओ, ठीक है? फिर आप क्या करोगे, जब आपको लगेगा कि ये वाला याद हो गया आपको, फिर आप नेक्स्ट वाले को देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, बी सी बी ए जी, फिर उसको ध्यान से ठीक ठीक नोट्स बजाओ, बी सी बी ए जी, बी सी बी ए जी, फिर उसको रिपीट करो बार बार बजाओ और देखो आपको याद हुआ कि नहीं. फिर क्या करो, फिर ये दो फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों एक साथ बजाने की कोशिश करो, ठीक है? पहले हमने ये बजाया, फिर हम इन दोनों को बजाएंगे, फिर हम खाली इसको बजाएंगे, फिर हम तीनों को बजाएंगे, आप समझ रहे हो? तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको प्रैक्टिस करना है, पूरा सॉन्ग एक साथ बजाओगे तो कभी भी नहीं आएगा, फिर जब आप बजाओगे तो ऐसा साउंड आएगा. ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना है सबको. तीशा वांट्स टू से समथिंग. अभी नो प्लेइंग, अभी 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 मैं किसी बच्चे से सुनूंगा नहीं, ओनली क्योंकि अभी मेरी अगली क्लास है. यस तीशा. Sir, I want to ask that, sir, जो हमारे लास्ट सॉन्ग बचा हुआ था एंजल्स वी हैव हर्ड ऑन नाइट, वो सब करेंगे, डोंट वरी. विदिशा अनम्यूट. When the meeting had not started, I was playing this. Good. So I know everything of it. Yes, yes. Okay, so everyone, you practice these two lines. Next, इसका आधा जो बचा है वो हम कल next class में करेंगे. तब तक आप यही practice करो. और जो हमने आज practice exercise practice करी है ना, remember हमने starting में एक exercise practice करी थी ऐसे, फिर उसको D से किया, फिर उसको E से किया, उसको आप सब note से बजा सकते हो. तो वो एक्सरसाइज आपको रोज प्रैक्टिस करनी है. ओके, दैट इज योर लेसन. दो लेसन है आपके, होमवर्क है आपका एक्सरसाइज और ये गाना, ये दोनों प्रैक्टिस करना है. ऑल द किड्स आर प्लेइंग वेरी वेल, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. बाय बाय एवरीवन.